क्या हुआ क्या हुआ? नहीं कुछ हल्का फुल्का सा। नहीं नहीं लेट उठी नहीं, कुछ और तासुरात है। आपकी तबीयत अब कैसी है दिखाओ जरा, सोजन कम हुई है? ये देखो हल्का हल्का सा निशान अभी भी है यहाँ पर। पुत्र रेडी हो या? पैसे पूसे गैप करना शुरू कर दे, चोरियां करनी शुरू कर दे, तेरा मैं घट्टो घट 5 लाख रुपया लगा देने वाला। अगर तुमने टीटी पापा की ना तो मैं यहीं से नीचे बैठ लेना, ठीक है? रेडी हो? ले 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 देख कैसे रही है, जैसी बड़ी इंस्पेक्शन कर रही है गाड़ी की। क्या नाम है इसका? सोजन भी कम हो गई है। वैसे ही आपका मुंह बट्टों वाला ना सूजा सूजा लगता है, नींद से उठते हो तो वैसे सूजा होता मुंह आपका, ऐसे है कि नहीं? अच्छा जी उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। सहरी का टाइम है जी 4:15 हो रहे हैं, अभी थोड़ा सा टाइम रहता है सहरी बंद होने में, सहरी क्लोज होने में। मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले जो एक मजे की न्यूज है मैं आपको वो सुना देता हूँ या वो दिखा देता हूँ, और इन सबको भी बता देता हूँ। इनका इतना ध्यान नहीं होता यार, मेहनत मैं करता हूँ ना तो ध्यान भी मेरा ही होता है। ये देखिए जी 899 प्लस सब्सक्राइबर और रजब फैमिली, हम सुबह उठने तक 900 के 900,000 सब्सक्राइबर टच कर जाएंगे। मुझे उम्मीद पूरी है कि हम ईद तक इंशाल्लाह 1 मिलियन टच कर जाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरे भाई की दुआएं सारी, नहाता नहीं आज दुआ कर देता। अच्छा जी अगर आपने अभी तक रजा फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर करके ठुड्डे नहीं मारे होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हम ईद तक 1 मिलियन टच कर ले। मैं नाश्ता कर रहा हूँ, सैरी कर रहा हूँ, इससे पहले कि मुझे भूखा रोजा रखना पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी ये सब तो खा रहे हैं पराठे शराठे, मैं नहीं खा पाऊंगा क्योंकि हमारा आजकल एक फेवरेट बर्गर हुआ है। मैं और हैदर डेली रात को एक्सरसाइज के बाद वहाँ से बर्गर खा रहे हैं, उसके बाद भूख नहीं रहती, तो मैं सिर्फ लस्सी का ग्लास लूंगा और इसी के बाद हम नियत करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कर रही है आप? तो बीमार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बट साहब ने सुबह सुबह ही लगा लिया न्यूज चैनल, अल्लाह की कसम पता नहीं इतनी न्यूज लेके बट साहब जाएंगे कहाँ। पापा जी इतनी न्यूज चैनल सुन के थकते नहीं आप? I am sorry about that. अच्छा जी मैं आपको चीज बता दूं, मैंने कहा रफ एंड टफ ही आएंगे आज हम व्लॉग में। सहरी के टाइम कौन सा ब्रश ब्रुश करके डांस अप कर लिए वही जरूरी था। अच्छा जी नमाज पढ़ते हैं और स्कूल को करते हैं बंद, थोड़ी सी नींद पूरी कर लेते हैं। मैं इतना चौकस इसलिए हूँ, एक तो हम 900 के टच कर रहे हैं, दूसरा मैं सारी रात का सोया नहीं हुआ। मैं एडिटिंग कर रहा था जैसे ही हम बर्गर खा के आए, मैंने एडिटिंग वगैरह की, उसके बाद मैं जाग ही रहा हूँ, ठीक है? अब नमाज पढ़ के सो जाएंगे, सुबह उठ के आपको 900 के भी टच कराएंगे, और जो आपने थंबनेल देख लिया है, जो आपने टाइटल देख लिया है, वो वाला काम भी पूरा करेंगे इंशाल्लाह। होती है मुलाकात सुबह। बाय बाय। 2000 years later. Good morning. कैसे हैं आप सब? अच्छा जी आपका भाई टाइम और टाइम ही उठ गया। मैंने एक चीज शेयर करनी थी, जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया कि हम लोगों ने बर्गर खाना आजकल स्टार्ट किया हुआ, मैंने और हैदर ने, एक्सरसाइज के बाद जाते हैं बर्गर खाते हैं, और सुबह सहरी के टाइम सिर्फ लस्सी की भूख रह जाती है और किसी चीज की तलब नहीं होती। लेकिन जब मैं 12-1 बजे उठता हूँ तो अब मुझे भूख फील हो रही है, बर्गर तो हो गया अपना डाइजेस्ट हो गया, अब भूख लग रही है। तो मेरी और हैदर की ऐसी आदत है जब हमें कोई चीज पसंद आ जाए ना हम इतना हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाते हैं, इतना उसको रेगुलरिटी के साथ खाते हैं। पिछले 15-20 दिन से हम रेगुलर बर्गर खा रहे हैं, 3-4-5 दिन और खाएंगे फिर हमें उसी बर्गर से नफरत हो जाएगी। वो कहते नहीं आओ मिलकर इतनी बातें करें कि बात लड़ाई तक पहुंच जाए, वही वाला हिसाब है हमारा। इतना बर्गर खाएंगे कि उसी बर्गर से नफरत हो जाएगी। अच्छा अभी आपको आज के व्लॉग का सीन बताते हैं, और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इधर आओ बेगम इधर आओ। फेक मैरिज प्रैंक अभी तक का हमारे चैनल के ऊपर सबसे हाईएस्ट व्यूड जो व्लॉग है, 2 मिलियन प्लस उसके ऊपर व्यूज है, वो है फेक मैरिज प्रैंक जो कि मेरी बेगम के सर पे था। बेगम जरा कोई नजाकत करके दिखाओ, कोई भी नजाकत कर लो अपनी बेगमों वाली, कोई भी अपनी अदा बेगमों वाली अदा। यार ये बहुत बड़ी मिलम है और गौ
गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड बच्चा पढ़ाई में भी और वैसे भी। अच्छा जी अभी मैं आपको बता दूं कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 900 के टच कर रहे हैं, 901 हो गए हैं। अंदर चल के आपको दूसरे मोबाइल पे दिखाता भी हूं, अम्मा को भी बताते हैं, अम्मा की तबीयत का भी पूछते हैं। अम्मा उठी है और काम शाम को जुड़ गई है, अम्मा से मिलते हैं। उसके बाद भजन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग एक्साइटेड हो जाए और मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए कि आज के व्लॉग में होने क्या वाला है। अच्छा जी 901 प्लस के 900,000 प्लस सब्सक्राइबर तो हो गए, उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग हर जगह मेरा मान रखते हैं। अल्लाह पाक आप सबको भी कामयाब करे। मेरी कोशिश तो होती है कि मैं जितनों को साथ ले लेके चल सकूं उतनों को लेके चलूं ताकि फैमिली मेंबर प्रूव कर सकूं। अच्छा जी अब दूसरी बात ये कि हम अभी भी चाहते हैं कि रमजान के अंदर अंदर हमारा 1 मिलियन हो जाए ताकि हम कह सकें कि एक साल के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर रजब फैमिली ने हिट किए हैं। आप लोग मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, ओल्डेस्ट व्लॉग देखेंगे वो अभी भी 12 महीने का आ रहा होगा। ये नहीं होगा कि 1 ईयर प्लस हो गया, ठीक है ना, 12 महीने ही आ रहा होगा क्योंकि रमजान में ही चैनल बनाया था हमने और रमजान के अंदर अंदर ही हमारे अगर 1 मिलियन हो जाए तो क्या ही बात है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो ताकि इंशाल्लाह एक साल के अंदर अंदर हम जितना करीब जा सके 1 मिलियन के। अच्छा सीन ऐसे है कि भाईजान अपनी अम्मा को ये वाली, अपनी दूसरी अम्मा फरा अम्मा सबको गाड़ी दिखा दी, अब सिर्फ रह गई है द स्पेशल पर्सन योर भाभी ईमान मेरी वाइफ मेरी बेगम, ठीक है, उनको गाड़ी दिखानी है, उसकी फैमिली को गाड़ी दिखानी है और कोई इफ्तारी वाला सीन भी करना है, उन सबका घर भी इफ्तारी वाला सीन करना है और ईमान को भी इफ्तारी करवानी है क्योंकि हमारा पहला रमजान है इकट्ठा, पहली इफ्तारी हमारी होगी इकट्ठे और उसका हल्का फुल्का सा मेरे से मूड भी खराब है कि सारे जहान को गाड़ी दिखा दी मुझे नहीं दिखाई, लेकिन मैंने उसे कहा था बेगम मैं रिलैक्स होके इजी होके आपके पास आऊंगा ताकि टाइम स्पेंड कर सकूं। अब तस्वीर पे भी जाना जरूरी था, उसके अलावा जो घर के मामला थे वो भी जरूरी थे, ठीक है, तो वो रिश्तेदारी है भाई, उसने कॉम्प्रोमाइज किया, उसने कहा कोई बात नहीं जब आप इजी होंगे तब आ जाइएगा गाड़ी, मैंने वैसे भी अब देख लिया व्लॉग में, मैं थोड़ा सा कच्चा तो हुआ, मैं कहा यार चलो कोई बात नहीं फिस्ती हो गई है लेकिन आपको गाड़ी दिखाऊंगा अच्छे तरीके से दिखाऊंगा, इफ्तारी करके जाएंगे, मेरा भी रोजा है उसका भी रोजा है भाई, क्या टी 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 कर रहे हो, वेट कर दो चलते अंदर अम्मा से पूछते हैं क्या सीन है। ठीक है ओके कोई गल नहीं अल्लाह तो देख रहे ना, अंदर चलते हैं अम्मा की तबीयत का पूछते हैं, उसके अलावा थोड़ा सा नमाज नमाज पढ़ते हैं कुरान पाक पढ़ते हैं, शाम को जाएंगे 5 बजे के करीब ईमान को पिक करेंगे गाड़ी दिखाएंगे और इफ्तारी करेंगे और ये चेक करो हसीन और जमील माशाल्लाह खाली जमील ही जमील हसीन कोई नहीं, आजा भाई क्या यार तुम्हारे आगे आके मेरी ब्रेक क्यों लग जाती है यार, ऐसे लगता जितना कमाया सारा सड़क पे खड़ा, कसम से ऐसी वाइब आती है जितना कमाया सारा सड़क पे खड़ा और धूप में, कोई बात नहीं धूप लगवाना जरूरी है, आज शाम को गाड़ी को भी लेके जाना है, शाम को नहीं रात को लेके जाना है गाड़ी को, प्लीज कवर योर हेड, तो इसकी डिटेल वगैरह करवानी है, जो इसके ऊपर हल्के फुल्के बबल्स होंगे वो आज क्लियर हो जाएंगे। जाने मन तू खूब है तू खूब है, आपका कभी दिल नहीं किया जैसे खालू रिजवान गाने गाते हैं अपनी बेगम के लिए, आपका शौहर नामदार भी गाने गाए आपके लिए, नहीं क्यों अच्छा नहीं गाते पापा, बट साहेब शराफत का पीपा क्या हाल चाल ठीक ठाक, गाड़ी सही है, गाड़ी के आगे बैठे हुए यकीन करो पूरे पूरे यार जो है ना जबरदस्त लग रहे हो पूरे पूरे माशाल्लाह, आपकी तबीयत कैसी है, सुबह भी पूछा था अभी भी बता दे सोजन कम हुई है, अच्छा अम्मा जब कुछ चीज चबाती है ना फिर यहाँ पर दर्द होती है, रोजा कैसा जा रहा है, रखा दिया नहीं आए 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 आए, यहाँ पर बड़े बड़े हेल्दी लोग हैं जो रोजा नहीं रखते, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता, अच्छा ये जिम जाती है मेरे जिम की ट्रेनर आई है, वही ना ट्रेनर नहीं आप मालिक क्या, लेकिन ये आप जिम तो करवाती है ना, आप जिम ऑन तो करती है ना उस टाइम पे बैठ के बताती है वो कर लो वो कर लो वो कर लो, जब आप बताती है तो आपको हेजिटेट नहीं होती, मैं आप क्यों नहीं करती, ये मेरी सबसे छोटी खाला है और मिनसा की मॉम है आप सबको पता है, मुझे एक बात का जवाब दो, जब हम लोग चले जाएंगे अपने घर शिफ्ट कर जाएंगे तो मिनसा का क्या करना है, कागजी कार्रवाई कर लो लड़की दे दो मुझे, क्यों 6 है पहले आपके पास, पहले नहीं डाल के 6 है, अच्छा सही 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 दे दो लिख लो कागजी कार्रवाई में, पक्की बात है ले जाओ फिर मांगोगे तो नहीं वापस, लेके नहीं जाने हम लोग भी सोच सोच के परेशान है, जब हम चले जाएंगे अगले घर तो मिनसा का क्या करना है, वो तो इनके नाक में दम कर देगी है ना, उसने पर कोई बात नहीं कर लेंगे स्कूल की वजह से उसको पढ़ाना नहीं था हमारे पास, उसे पढ़ना नहीं था, हाँ हमारे साथ उसका लाड एक्स्ट्रा ही है उसे पढ़ना नहीं था, यहाँ पर उसकी अम्मा ही पढ़ा सकती है उसको, अच्छा जी मेरा प्लान है आज मैं जा रहा हूँ आपकी नुहों को आपकी बहू को गाड़ी दिखाना क्योंकि सबने देख ली उसने नहीं देखी तो वो नाराज हुई है, वो कह रही है कि अम्मा का कसूर है, अम्मा ने आपको सिखाया ही नहीं कि आपको गाड़ी दिखाने आना चाहिए था पहले मुझे, कसम से अल्लाह का शुक्र है मेरे मालिक है मेरे पे करम बड़े किए, मेरी बहू हो या मेरा दामाद हो
अपनी अम्मा से नाराज नहीं होते हम लोग। प्लान फेल हो गया। आपको उसके कहने से पहले दिखानी और जो काम बीच में थे फिर से मिस कर सकता था। लेकिन आज मैं जा रहा हूँ ना, मैं इफ्तारी करके आऊंगा। मन मुझे पीछे फोन आया, मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। मुझे बताओ, जब आप बाहर होते हैं मोस्टली जब आप ईमान के साथ होते हैं मैं आपको कॉल नहीं करती हूँ। मेरा हाँ नहीं, अम्मा की खासियत है जब मैं ईमान के साथ होता हूँ तब फोन नहीं करती। पहुंच मैं बाहर जाऊँ कुल्फी खान भी 15-15 फोन कर देगी पीछे। वो मेरे पे वाजिब है, मैं तुम्हारी तरबियत करूँ। शावर वगैरह ले लिया, 2:30 बज रहे हैं, नमाज पढ़ लेते हैं। नमाज पढ़ने के बाद थोड़ा सा इंतजार करेंगे, कुछ टीवी शीवी देखेंगे, कुरान पाक पढ़ लेंगे, उसके बाद निकलेंगे 5:30 बजे आपकी भाभी की तरफ, जाने नमाज की तरफ। भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आ जाओ भाई। ईमान को टाइम दिया था मैंने 5 बजे का, 5:15 बजे घर ही हो गए। पता नहीं ये नींद के साथ मेरा क्या रिलेशन है, मेरी समझ से बाहर है। इतनी नींद मुझे क्यों आती है? ऊपर से भूख में तो नींद आती नहीं, अभी रोजा रखा हुआ, भूख शरीर लग रही है, लेकिन फिर भी मैं सो गया। ऐसा सोया 2-2.5 घंटे मैं सोया ही रहा हूँ। अम्मा मैं लेट हूँ, मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, सही से उठाना था ना, जरा पानी फेंकना था मेरे ऊपर। चलो मैं लेट हूँ, मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। लेकिन 1 सेकंड क्या कहा है? क्या कहा? जान छोड़। क्या कहा है आपने? क्या कहा पहले आपने भी कहा? जान छोड़। मुझे आवाज आई है। अपनी बुढ़ी को टाइम दे, वो इंतजार कर रही है जाके, उसको टाइम दे। तू अपनी वापस आना मेरे। ठीक है, जाऊंगा बुढ़ी के पास ही। इन्होंने कहा जान छोड़। आवाज आई ना तनु, तनु आवाज आई ना? ड्रामे ना करे, इसने कहा ना जान छोड़। आप ये बात प्यार से नहीं कह सकते? जाओ ईमान के साथ टाइम स्पेंड करो। अगर जहाँ जान छोड़ सड़ी, अब जो बात लेके आती है ना वही है। पहली बात, मुसलमान कोई बात नहीं, घर पे ज्यादा टाइम स्पेंड करो ना, तो यही आपकी औकात, यही आपकी वर्थ नजर आती है। बिस्मिल्लाह। चलो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, शुक्र अल्लाह का, गाड़ी अपनी साफ सुथरी है, ईमान को दिखानी है, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए भाई। चलो अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा जी, अभी सीन ऐसे है, जैसे निकल चुके हैं, सबसे पहले गाड़ी दिखानी है ईमान को, अम्मा को, ओन को, सबको गाड़ी दिखानी है। उसके बाद गाड़ी दिखाने के बाद जाएंगे हम किसी रेस्टोरेंट। मैंने एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट की बुकिंग करवा ली है ईमान की और अपनी। इफ्तार वहां पर करेंगे, आपकी भाभी का मूड थोड़ा सा बेहतर करेंगे, क्योंकि उसका मूड हल्का सा ऑफ है और होना बनता भी है। अम्मा लोगों के साथ साथ मुझे गाड़ी सबसे पहले उसे ही दिखानी चाहिए थी, लेकिन ना चाहते हुए भी लेट हो गई। और सबसे एंड में हम गाड़ी ईमान को दिखा रहे हैं, मूड उसका बेहतर हो जाएगा। शहजादी बच्ची है, वो नाराज रहती नहीं है। चलते हैं, पहुंचते हैं और आपको दिखाते हैं जाके रिएक्शन वगैरह ईमान का भी और अम्मा का भी, फिर चलते हैं किसी रेस्टोरेंट। अच्छा जी, पहुंच चुके हैं आपकी भाभी की तरफ। पहले गाड़ी दिखा देते हैं फिर निकलते हैं। आए माशाल्लाह, जा रहा अम्मा को राइट दे के आए। ओके आशा बाशू, मिलता हूँ। तुम तो यहीं खड़ी रह गई, तुम्हें मैं राइट देता हूँ। अम्मा को और रोहन को राइट ले लेना। मुँह क्यों सजाया हुआ है? क्या हुआ है? नहीं कुछ हल्का फुल्का सा। नहीं लेट उठी नहीं, कुछ और तासुरात है। चलो बेहतर कर लेते हैं मुँह तुम्हारा। ये तुम्हारी पालतू के लिए अम्मा और रोहन आते हैं, चलते हैं। ठीक है, गाड़ी पसंद आई है? पक्की बात है? अंदर बैठ के देखिए कैसी। ठीक है, तुझे नहीं मिली गाड़ी अभी? मुझे बता कौन सी लेनी है। अच्छा इजाजत है, स्टारी करने चल रहे हैं, बड़ी देर बाद जा रहे हैं। मैं इजाजत ले लेके पहले फोन आपको, आ जाओ आप भी, मैं तो कहता हूँ। पक्की बात है? चल अब कैंसिल कर सकते हैं, तू करवा ले स्टारी। नहीं फिर सही, चल आज जरा मैं मूड बेहतर कर रहा हूँ सरकार उन्होंने। ठीक है, ओके माजी वापसी आता हूँ। और भाई बिजी वुमन क्या हाल है? और कौन बिजी है? क्या हो गया, मूड क्यों खराब किया हुआ है? मतलब तुम मान गई हो ना कि मूड खराब है तुम्हारा? मान गई हो ना? तुम मैसेज पे नहीं मान रही थी मेरा मूड खराब है, आप मान गई हो ना? क्या हुआ, क्या है, क्या प्रॉब्लम है? यार मैं इतनी बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल के आया, और वैसे भी मैंने सोचा हुआ था कि गाड़ी का पीपीएफ एक ड्राई हो जाए, 4-5 दिन धूप लग जाए, फिर मैं यस बेस गाड़ी करके तुम्हें दिखाऊंगा। समझा करो बात को, मेरी प्लानिंग को समझा करो। कल देखा। अच्छा बताओ क्या खाना है? रोजा रखा? रोजा रखे? अच्छा बताओ क्या करना है? इफ्तारी क्या करनी है? चाइनीज इफ्तारी करनी है? तो आज आ
मैंने करवाया बेहतरीन सा बुफे, जहाँ पर सब कुछ ही होगा, तुम्हारी मर्जी का भी मेरी मर्जी का। अल्लाह करे खाना खाने के बाद तुम्हारा मूड बेहतर हो जाए। मेरी मजबूरी, मेरे टाइम को समझा करो, ऐसे मेरे से मूड ना बनाया करो। जब मूड बना लेती हो ना, मेरे से फिर काम नहीं होता। मेरा ध्यान लगा रहता, मैं मनाऊं या ना मनाऊं वो अलग बात होती है, मेरा ध्यान लगा रहता फिर इस तरह से। ठीक है, अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, अच्छा, ओके। तुम्हें ना अभी टाइम लगेगा मेरी प्लानिंग को समझने में। मैं बहुत लंबी लंबी प्लानिंग करके फिर निकलता हूँ। मैंने किसी चीज की वजह से रुका हुआ था तुम्हारा और मेरा मिलना। हम आज 10 दिन के बाद ऑलमोस्ट मिल रहे हैं, 8-9 या 10 दिन के बाद मिल रहे हैं ना। मैंने कुछ सोचा हुआ था कि इस डेट पे जाके दिखाऊंगा जब ये काम हो जाएगा। समझा करो बात को भाईजान। मैंने प्लान किया हुआ था, एक तो धूप लग जाए, गाड़ी ठीक हो जाए, उसके बाद 900K हो जाएगा, फिर मिलूंगा तुम्हें। तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं गया। मैं तो एक एक सब्सक्राइबर अपनी उंगली पे गिन रहा हूँ। आज हमारे 900K प्लस सब्सक्राइबर हो गए। मुबारकबाद दी तुमने। लो जी, कैसे, दोबारा करो, दोबारा करो। 900K ऐसे हो गए 900K। और मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ कि 100K रह गए हैं 1 मिलियन में। पुत्र रेडी हो या पैसे पूछे गैप करना शुरू कर दे, चोरियां करनी शुरू कर दे, पावे मेरे पर्स चो, पावे अपनी अम्मा के पर्स चो, पावे मामू के पर्स चो, पावे जितो मर्जी चोरियां करनी शुरू कर दे। तेरा मैं घट्टो घट 5 लाख रुपया लगवा देने 1 मिलियन से। देखी जा, है देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी, भागने नहीं मैंने देना। मैंने अपनी बहन को ही भागने दिया, तुम्हें भागने दूंगा। 1 मिलियन में तुमने कहा था, आप सब गवाह है, इसने 1 मिलियन में कहा था। ठीक है ना, तो जल्दी करेंगे। 1 मिलियन रमजान के अंदर हो जाएंगे। तुम रेडी रहो, बस पैसे इकट्ठे कर। कमेटी मोटी पाला, पहली कमेटी आप ले ली, उस तो बाद कमेटियां देती रही। ईमान, तुमने एक चीज नोटिस किया, तुमने गाड़ी के बारे में ना पूछा, ना मुबारक दी, ना कुछ और। मैं मानता हूँ गाड़ी पुरानी हो गई है, 4-5 दिन बाद तुम गाड़ी देख रही हो, लेकिन एटलीस्ट कोई रिएक्शन मैंने दिया था। वो कैमरे के सामने नहीं आया, मैं दोबारा कब दिया तुमने? रंगबाज झूठ बोल रही है, कोई रिएक्शन नहीं दिया इसने यार। इतनी महंगी गाड़ी ले लिया मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल लेके आया हूँ। सबको गाड़ी दिखाई है, इफ्तारी किसी को नहीं करवाई, तुम्हें इफ्तारी भी करवाने आया हूँ साथ। तुमने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, इतना ठंडा रिएक्शन, ठंडा क्या दिया ही नहीं। बोलो कैसी गाड़ी है, पसंद है गाड़ी? अच्छा, जब ये फ्रस्ट्रेटेड होती है ना, फिर क्या बोलूं? बताओ पसंद आई गाड़ी, यू लाइक इट? अच्छा बताओ क्या डिफरेंस है गाड़ी में, पहली वाली में और इसमें क्या डिफरेंस है? मुझे पहले पता था ये एक ही चीज नोटिस करेगी, उसके अलावा तुमने उसकी भी ड्राइव की हुई है, उसमें भी तुम बैठी हुई हो। अच्छा क्या है, क्या है, क्या कहा, इधर देख, इधर देख, की क्या ही, की क्या ही? कहती कोई खास डिफरेंस नहीं है पुत्र, अल्लाह दे वेह रहा ना, मेरा अकाउंट खाली हो गया गड्डी लेके। कहती है कोई खास डिफरेंस नहीं है। वाह ईमान वाह, वो भी प्यारी थी, ये बहुत प्यारी है। कोशिश कैसी है, प्यारी है, पैरों रंग ब्लू सही है। निकलो जरा बाहर यहाँ से, तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा, निकलो जरा। एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है जो तुम्हें मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ कोई खाली रोड देख लेना तो मुझे। नहीं, वो वाला डिफरेंस रहने थे, आप मुझे पता है खाली रोड पे जो आपने डिफरेंस दिखाना है ना, आप रहने थे, मुझे पहले बहुत डर लगता है। तो ये मैं दिखाता हूँ, सबर कर, डर तेरा खत्म करता हूँ अभी। सबर तो कर यार, कुछ नहीं होता, मुझे खाली रोड देख लेने दे पहले। चल बेटा रेडी हो जा, रेडी रेडी, ये ले। क्या हुआ, रेडी? इधर देखो। हाँ स्वाद आया। बाल देखो अपने। चलो जी, हमारा स्पॉट भी आ गया, रेस्टोरेंट भी आ गया हमारा, और इफ्तारी होने में भी सिर्फ 20 से 22 मिनट रह गए हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो आप पुत्रों, में गाड़ी वाले को देख के आया, एक मिनट वॉलेट ले रहा हूँ। चलो जी बिस्मिल्लाह, लिफ्ट खोली मिल गई भी हमें। इफ्तारी रिजर्वेशन कौन से फ्लोर पे है यार? 18 पे, टॉप है ना ये? नहीं, 19। चलो ठीक है, ओके जी, सब ने इफ्तारी स्टार्ट कर दी है। हमारी इफ्तारी में अभी जो है वो 7 से 8 मिनट है। अगर तुमने टीटी पापा की ना, तो मैं यहीं से नीचे बैठ लेना, ठीक है? रेडी हो? क्या हुआ? नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं आ जाऊँगा, मैं सीढ़ियों से आ जाऊँगा, लिफ्ट से आ जाऊँगा, तुम पहुँचो, मैं बिल दे के आऊँगा। ठीक है जी, 6-7 मिनट के बाद चलते हैं, अपनी इफ्तारी करते हैं और रिजर्वेशन चेक करो। आप भाई नहीं करवाइए, ज़बरदस्त है। अच्छा लगा तुम्हें, यू लाइक इट, मूड बेहतर हुआ? A few moments later. चल भाई दोस्ता, टाइम हो गया, आया आया आया, 6:24 हो गए, इससे पहले बुफे खत्म हो जाए, आजा इफ्तारी कर ले, आजा हरिया भरिया। अल्लाह करे जी आज छापर खुल जाए खजूरों वाला, पिछले 1.5 घंटे से कोशिश जारी है। लाओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी लकसमतु वबिका आमनतु वअलैका तवक्कलतु वअला रिज़्किका।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई तुम्हारे खाने वाली चीजें ये बड़ी हैं, ये बड़े हैं सैंडविच, ये बड़ा है घास फूस, ले लो जो लेना। मेरे खाने का सामान आगे बड़ा हुआ है, तुम ले लो यहीं से। अच्छा जी ये आ गए पकौड़ा, ये आ गए जी पकौड़े, समोसे समोसे समोसे, बर्गर मिनी बर्गर। अच्छा अभी जो मेन कोर्स है वो लग रहा है, तो जो इफ्तारी का सामान होता है वो लगा हुआ है कि ये बर्गर बाइट्स, आई थिंक बर्गर बाइट है ये, पूरा बर्गर तो नहीं है बर्गर बाइट्स है ये। पता कैसे खाया जाएगा ये ऐसे? अभी हम लेंगे जस्ट हनी विंग्स, उसके बाद वो सारा मेन कोर्स खुलेगा, फिर सही से रोटी पाड़ेंगे, पैसे देते हैं हनी विंग्स खाएंगे तब तक खुल जाएगा। और ईमान अपना सामान समून लेके चली गई है, जो भी उसने घास फूस खाना था वो ले गई है। ये लो भाई ये आ गया। ओए ये क्या, तुमने घास फूस नहीं लिया आज? चेंज कर दिया टेस्ट जी। वाह बट्टों वाली हवा लग रही तुम्हें है। अच्छा मेन कोर्स की जगह रखनी है ये, खा के तो बस ना कर देना, अभी लग रहा मेन कोर्स ठीक है। श्योर अगर ऐसा है तो मत खाओ, तुमने मेन कोर्स खाना, मैं तुम जान नहीं देना। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ भाई अब ठीक है, सकून है। अच्छा जी हमें जो है ना चाहते हुए भी लोकेशन चेंज करनी पड़ी, नीचे बैठे हुए थे हम और हमारी बैक पे बिल्कुल बॉयज बैठे हुए थे और वो काफ़ी शाउट कर रहे थे, हंस खेल रहे थे, क्योंकि उनका राइट भी है, सारे दोस्त यार इकट्ठे हुए हों तो ऐसे हो ही जाता है, लेकिन हम बात भी नहीं कर पा रहे थे आपस में, इसलिए हम रूफ टॉप पे आ गए। और यहाँ से मैं आपको निज़ाम दिखाता हूँ, आ जाओ ईमान, ईमान आ जाओ, ये चेक करो ये बिल्कुल जो है ना एंड ऑफ द रेस्टोरेंट है। आए 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, उफ लाइट भी पूरे टाइम पे ऑफ हुई है, ज़बरदस्त। ईमान को ये जो है ना फील, ऐसे ये बादल डूब रहा है उसके बाद ये लाल पीला हुआ ना, ये ईमान को बहुत पसंद है। सनसेट मुझे भी पसंद है लेकिन इसको ज़्यादा पसंद है। हाँ जी है ना, चलो यहाँ से शाम में बोल रहा नहीं देखते हैं तुम पापा की बड़ी नहीं हो। अच्छा टॉप पे आने का सिर्फ एक नुकसान है, खाना नीचे से खुद लेके ऊपर आना पड़ेगा, सर्विस नहीं मिलती। मैंने कहा खैर है मेरी रोड़े तो जान चढ़ा, बॉयज बैठे हुए तो शोर कर दे, हम लोग ऊपर आ गए यहाँ से बोलना। जबरदस्त किस्म का आया बेहतर चेक करो माशाल्लाह खाना डाल के ले आते हैं जी मेन कोर्स, फिर निकलते हैं घर को। ये लो भाई चलो। अच्छा जी ये आ गया सी सेम फ्राइड चिकन, जो कि मुझे ये तो मेन कोर्स नहीं है, मटन खड़ा मसाला ये खाऊंगा, आता हूँ वापस आता हूँ। चिकन बिरयानी आ गई, ओके ज़बरदस्त, और साथ में बटर चिकन भी है, बटर चिकन थाईलैंड में खाया था बहुत मज़े का था। लाहौरी फ्राइड फिश आए 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 आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। अच्छा जी आगे आ गया हमारे पास चिकन मलाई रोटी, ज़बरदस्त भाई जान। और ये आगे क्या आ गया, बारबेक्यू ग्लेज्ड विंग्स, ये ग्लेज्ड अच्छा तिलों वाले आ गई हो ना, आ गई हो अपनी लाइन में, चाइनीज में आ गई हो। ये आ गया जी चाउमिन डाल, ये आ गया जी डेजर्ट। पर तुमने क्या करना है डेजर्ट, तुम खुद ही कितना बड़ा डेजर्ट हो पागल। अच्छा भाई मैंने अपनी प्लेट जो है ना वो एक बार ही डेकोर कर लिया, वाइट सॉस पास्ता बिरयानी और साथ बीफ कबाब। और ये देखो क्या लेके आई है, एक लेके आई है डेजर्ट का पीस, हल्का सा चाउमीन है ठीक है, और उसके साथ क्या है, चाउमीन के साथ क्या है, मलाई बूटी। अल्लाह करे तुम ये ख़त्म कर लो, ये भी काफ़ी है। बिस्मिल्लाह फाइट हो रही इसकी खाने के साथ, ये ट्राई करो पकड़ो 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 मरना तेरे को डर नहीं लगता? अच्छा सॉरी डन डन डन, ये लो अपने हाथ आके जल्दी करो, इतना ज्यादा आधी वाइट भी नहीं थी मेरी, ये बस यार दिल नहीं कर रहा मेरा, आज मेरी साजिश जो है ना वो कामयाब नहीं हुई। मैंने आज पहले पानी पी लिया, खजूर खा ली, पहले पानी भी पी लिया, ऊपर से ये वेलकम ड्रिंक भी पी ली, इसलिए आज मेरा पेट जल्दी फुल हो गया। वरना आप सब गवाएं घर बैठ के मैं सारी आइटम्स खाता हूँ, एंड में दूध पीता हूँ फिर पेट फुल होता है। आज सिर्फ बिरयानी और तीन चार कबाब खाए और पेट फुल हो गया, तुम्हारी सोबत का असर हुआ आज, वरना मैं हर चीज़ खा पी के बैठता हूँ, ऐसा नहीं माफ़ी देता मैं। आज ईमान खा रही है और मैं बस हो गया, क्या बात है गेम उल्टी पड़ गई आज। चलो ये बिल्कुल दे लिए भाई, आजा भाई दिल नहीं खा रहा था बाहर आने को, ये लो मेरी जान, थैंक यू। हाँ भाई एनीथिंग एल्स, कुछ और पक्की बात है, चले क्या कर रही हो। अच्छा ईमान का ये फायदा हो गया, ये लिखने पढ़ने वाला जो काम है ना ईमान कर लेती है। चल भैया आजा चले चलो जी
की गाड़ी आ गई है, लैपटॉप रख देते हैं, फिर आपकी भाभी को दिखाते हैं गाड़ी एक बार अंदर बाहर से सारी, बाहर निकल के दिखाते हैं ना, अभी पहले से दिखाई नहीं है। चलो चलो भाई देख लो गाड़ी अब सही से, और अपना मूड जो है ठीक कर लो, स्पेशल सारा टाइम निकाल के आया हूँ, ठीक है ना। देखो पूरी देखो, मुझे नहीं देखो, गाड़ी को देखो। राजा जी देखो ना, पक्की बात है, पूरी देख के आओ, पूरी देख के आओ, पैसे वसूल करो, शाबाश। हरिया भरिया फिर घर जाके अगर मूड बनाया ना, फिर लड़ाई मैं करूंगा। ले 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 देख कैसे रही है, जैसी बड़ी इंस्पेक्शन कर रही है गाड़ी की, बहुत पता है इसको, पता है क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या था? MG HS ट्रॉफी, ठीक है, पसंद आई? चलो आ जाओ, बिस्मिल्लाह करो, बैठे। अम्मा का फोन आ रहा तुम्हारी, इसकी अम्मा ऐसे परेशान हो जाती है जैसे मेरी मंगनी हुई है, निकाह नहीं हुआ। चलो हाँ भाई, और कुछ खाना भी ना, चलें घर, मूड ठीक है 110%। चलो शुक्र अल्लाह, चलिए जी कार। जब तक घर जा रहे हैं मैं आपको एक फनी इंसिडेंट सुनाऊं। हाँ हाँ सुनाओ। एक दफा पता है क्या हुआ, हम लोगों का ट्रिप गया था जॉयराइड। अच्छा। वहाँ पर मेरी फ्रेंड थी, उसकी सिस्टर आई हुई थी। अच्छा। और हम लोग फ्लाइंग कारपेट है ना, उस पर बैठना था और वो डर रही थी। फ्लाइंग कारपेट? हाँ। अच्छा हो गया, मुझे नहीं पता। मैंने उसको कहा कि आप मत डरो, कुछ भी नहीं होता, बस ऐसे ऊपर जाएगा और ऐसे नीचे आएगा, ठीक है। फिर हम बैठ गए, ठीक है, और वो नहीं डरी, लेकिन मैं बहुत डरी थी। देखो जी गाड़ी का केक आया हुआ है, सो स्वीट, थैंक यू सो मच। ले आओ, कोई फायरवर्क्स ऑन कर दो ब्रो। अच्छा वो खड़ी हो गई, क्लैपिंग करने लग गई है यार। लाइटर दो भाई, निकालो जेब से लाइटर। थैंक यू। अरे इसका हैप्पी बर्थडे नहीं कहना, हैप्पी एमडी। थैंक यू सो मच माजी, बहुत ज्यादा बेहतर है। आप लोगों ने खरीद इतनी प्यारी दुआएं भेजी, उन सबके लिए लव यू, खुश रहे, आबाद रहे, बाय।